तो कई बार हम देखते हैं कि अपनी गाड़ी पर अगर चालान चेक करने हो तो काफी कॉल आती है हमारे पास में कि जी अगर हमारी गाड़ी का हमें चालान देखने हो तो कौन सी साइट पे और किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपने कंप्यूटर एक्सपर्ट से पता करते हैं कि वो किस प्रकार से चालान को हम चेक कर सकते हैं। आप दिखाइए सबसे पहले क्या करना होगा हमें अपने गाड़ी का चालान करने के लिए, फोन चेक करने के लिए किसी भी ब्राउजर पे हम दिल्ली पुलिस ट्रैफिक चालान लिखे। सबसे पहले क्रोम पे या किसी भी ब्राउजर, जो मोबाइल में ब्राउजर हो जैसे गूगल पे भी, हाँ क्रोम हो गूगल हो कोई सी पे भी हमने क्या लिख दिया, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चालान लिख दिया खाली, जैसे ये हमने लिख दिया। हाँ तो इसमें ये ऊपर वाला लिंक आ जाएगा। अच्छा ये आपने नोटिस ब्रांच पर फिर वो मारना चालान कोई भी हो। हाँ या कैमरे वाले सिर्फ कैमरे वाले। अच्छा मशीन वाले नहीं दिखाएगा इसमें। हाँ, इसमें फिर जैसे हम अपना मोबाइल गाड़ी नंबर डालेंगे 56 53 गाड़ी नंबर का और सर्च करेंगे तो ओटीपी भेजेगा जो रजिस्टर। अच्छा इसमें रजिस्ट्रेशन वो जो मोबाइल नंबर जरूरी है क्योंकि ओटीपी आता है। आ गया ओटीपी? जी सर। कहाँ पे? ये ऊपर आ गया, ये ओटीपी आ गया गाड़ी में जो आरसी में मोबाइल नंबर जुड़ा होना जरूरी है क्योंकि ओटीपी से ही पता करेगा। जी सर। जैसे अब ये सर्च करते ही ये अपना चालान आ गया नीचे। अच्छा हाँ ये चालान आ रहा है, दिखाओ। ये देखो ये किस चीज का है? ये सर द्वारका लिंक रोड पालम फ्लाईओवर पे सदर बाजार से कटा हुआ है। ओवर स्पीड का है ये, कैमरा निशान भी आ गया। ये इसमें 2000 का, 2000 का फाइन आ गया। ये इसमें फोटो है, ये आपका ये खुल जाती है। अच्छा ये फोटो देखना चाहे तो फोटो भी देख सकता है, गाड़ी की फोटो है कितने पे कैसे चल रही थी, नाइट की है। अच्छा नाइट की है, पीछे बैक करिए कौन सा निशान दबाने से आता है ये? इसमें ऊपर है सर स्टेटस, ये रहा व्यू इमेज। अच्छा व्यू इमेज पर अगर दबाओगे तो ये इमेज खुल जाएगी, ये खुल गई और आपकी गाड़ी की फोटो भी आ जाएगी, तो कहाँ कितनी स्पीड पे चल रही है स्पीड भी आ जाएगी। और अगर आप दूसरा फोटो देखना चाहते हो भाई रेड लाइट जंप का या स्टॉप लाइन का, सारा जगह का भी आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। तो इसके अंदर जो है चालान केवल कैमरे वाले दिखाई देंगे, ठीक है? तो आप भी अपना अगर कोई इस तरह का कोई चालान चेक करना चाहते हो और वो कैमरे का हो, अगर कैमरे का चालान चेक करना चाहते हो, कैमरे वाला कुछ लोग गाड़ी मांग कर ले जाते हैं और खड़ी कराते हैं तो शाम को चेक कर सकते हैं ना, मांग के ले जाते हैं कुछ टाइम डेट सर सब कुछ आता है। हाँ टाइम डेट भी आता, किस टाइम पे कौन चला कौन लेके गया था। रेड लाइट जंप में तो लाइसेंस के लिए भी मांगते हैं वो, क्योंकि रेड लाइट जंप में लाइसेंस सीज होता है, 3 महीने के लिए सस्पेंड भी हो सकता है। फिर वो टोडापुर वाले कहेंगे भाई उस दिन आपने रेड लाइट जंप किया है, आप अपने ड्राइवर का नाम बताएं, या तो आप खुद चला रहे थे या ड्राइवर का नाम बताएं। तो उस डेट में आप, अब ऐसी स्थिति में हो सकता है आपने वो गाड़ी बेच भी रखी हो लेकिन नाम नहीं कराई हो। चालान किसके घर जाता है? जिसके नाम गाड़ी है अभी सेल लेटर में बेच रहे क्या, तो अभी कौन जिम्मेवार है? मालिक जिम्मेवार है। बहुत से आदमी सोचे मैंने तो बेच दी, मैंने तो 15 साल ऊपर होगी कबाड़ी को दे दी, और उसके चालान आएंगे उसका जो जिम्मेवार होगा वो 100% जिसके नाम आरसी है वो ही जिम्मेवार है, या कोई मांग के ले गया है, या आपने गाड़ी किराए पे दे रखी है, तो फिर कौन होगा जिम्मेवार? ओनर ही है। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी के चालान चेक कर सकते हो, दिल्ली ट्रैफिक क्रोम पे या गूगल पे आप सर्च करिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सर्च करने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चालान सर्च करने के बाद में और अपनी गाड़ी का नंबर डालें, आगे जो साइट खुलती है उसके ऊपर साइट पर गाड़ी का नंबर डालें, और उसके बाद जो गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन, जिस गाड़ी से रजिस्ट्रेशन है नंबर मोबाइल का, उस पर एक ओटीपी आएगा। अब बहुत जरूरी है आपकी गाड़ी आपकी आरसी से मोबाइल नंबर कनेक्ट होना, और जब चालान होता है मशीन से भी तो सही नंबर देना जरूरी है, क्योंकि सही नंबर नहीं देते तो बाद में चालान भरते दफा या कोई भी मैसेज आएगा। और सर ये अगर यहाँ चालान मिल जाता है और मतलब 3 महीने से कम का टाइम है, 2 महीने वर्चुअल कोर्ट नहीं गया, तो यहीं से पेमेंट कर सकते हैं चालान?
आप 60 दिन का तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस देती है, तो उस 60 दिन के 60 दिन के अंदर तो वहाँ कर सकते हो, नहीं इसी साइट पे कर सकते हो, इसी साइट पे दिल्ली ट्रैफिक वाले पे, दिल्ली ट्रैफिक वाले पे नहीं भरा फिर वो वर्चुअल पर, वर्चुअल वाली साइट साल साल भर भी चल जाती है। वर्चुअल के बाद कहाँ जाता है? रेगुलर कोर्ट। फिर रेगुलर कोर्ट, अभी आपका चलान था जो पहले वो 2000 का 1000 हो गया, आप अभी भी नहीं भर रहे तो कहाँ जाएगा ये? रेगुलर कोर्ट। रेगुलर कोर्ट क्या करेगी, 1000 देगी या 2000 उसकी मर्जी है, वापस 2 ले या 5 वाला 5000 का फाइन जो आपने उसका नोटिस किया जो नहीं मानना था, शुरू में आपके पास नोटिस आया होगा तो वो भी कर सकती है, वो पूरा चलान भी कर सकती है, वो जीरो भी कर सकती है। लोक अदालत में ले जाओगे उसकी भी मर्जी है भाई, वो जीरो भी कर दे, 500 भी काम चला दे। तो इस तरीके से चलान आप चेक कर सकते हैं और भर सकते हैं। मैं सहराम भी सांगवान जेडो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ऐसी बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत। इस बात का ध्यान रखना अगर ओटीपी नंबर मांगता है, मोबाइल से ओटीपी नंबर आता है तो समझो आपका चलान है, अगर ओटीपी नंबर नहीं मांगा है तो आपकी गाड़ी का कैमरे का कोई भी चलान नहीं है, इसमें कैमरे के चलान का पता चल रहा है। तो काफी सारी लोग पूछते हैं कि जी अगर हमारा चलान हो जाए तो हमें कैसा पता चले कैमरे के चलान, मशीन का तो हाथों हाथ पता चल जाता है लेकिन कैमरे के चलान का अगर हमें पता करना हो, कोई गाड़ी मांग के ले गया हो या हमें ध्यान नहीं है, रास्ते में ओवर स्पीड हो, रेड लाइट जंप हो, क्योंकि ये तीन चलान है ना वो आते हैं, एक स्टॉप लाइन का, एक रेड लाइट जंप का और ओवर स्पीड का, ये चलान कैमरे के आते हैं। इसमें अगर जेब्रा क्रॉसिंग पे भी गाड़ी खड़ी हो जाती है रेड लाइट होने पर तो भी रेड लाइट जंप का माना जाता है। तो ये जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चालान की साइट है, दोबारा से रिपीट करता हूँ, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चालान की जो साइट है इस पर अपनी गाड़ी का नंबर इत्यादि जो अभी बताया है वो भर के आप अपने चालान का पता लगा सकते हैं। अब एक आदमी बोला कि जी हमने जब इसका ये भरा तो ओटीपी नंबर नहीं आया, इसका क्या मतलब है? तो ओटीपी का नंबर जैसे मैंने पहले ही बताया, इसमें अगर ओटीपी नंबर नहीं आता है तो ये समझो कि आपकी गाड़ी का कैमरे का कोई चलान नहीं है। वो ओटीपी नंबर आ जाता है तो बारी बारी आपको उसमें इमेज का भी दिखा देगा कि भाई ये चलान यहाँ का है, ओवर स्पीड का यहाँ का है, रेड लाइट जंप का यहाँ है, इतने पर आपकी स्पीड थी। तो इन बातों से हमारा जो है चालान का पता लग सकता है। गाड़ी चाहे हमने बिक्री कर दी हो, गाड़ी आरसी जिसके नाम है और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में मोबाइल जिसका नंबर है उसी के नंबर पर आता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अपनी गाड़ी में अगर रजिस्ट्रेशन में कोई मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा रखा है तो वो भी ऐड कराएं।